दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पितृ भी कर सकते हैं आपको मालामाल। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने पितरों के आशीर्वाद की मदद से अपने रुके हुए या नए कारोबार को एक गति दे सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है पितरों का साथ। ऐसा नहीं है कि पितृ हमेशा हमें परेशानी में ही डालते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आप पितरों की मदद से मालामाल हो सकते हैं। श्राद्ध के समय में अपने पितरों को खुश रखें, जिससे वो भी आपको आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से आप अपने रुके हुए व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं। और अगर आप नया व्यवसाय चलाने की सोच रहे हैं तो आपके पितृ उसमें भी आपका साथ देंगे। पितरों को खुश करने के लिए किसी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लें। उस पत्ते को अच्छी तरह से धूप बत्ती दिखा दें, अर्थात उसको अच्छे से पूजित करने के पश्चात अपनी व्यवसाय या दुकान की गद्दी, जिस पर आप बैठते हैं, के नीचे रख दें। इस कार्य को 7 शनिवार तक निभाएं। इसके बाद जब गद्दी के नीचे 7 पत्ते इकट्ठे हो जाएं, तो उनको एक साथ किसी कुएं या तालाब में अपने पितरों का नाम लेके प्रवाह दें। पितरों की कृपा से आपका धंधा फलने फूलने लगेगा। जब पितरों का समय चल रहा हो तो उस शनिवार को 7 हरी मिर्च के साथ नींबू की एक माला बना लें और अपनी दुकान में ऐसी जगह पर टांगे जहाँ पर आने जाने वाले ग्राहकों की दृष्टि पड़ती हो। अगर आपका कारोबार में किसी से झगड़ा चल रहा हो या कारोबार में घाटा उठाना पड़ रहा है, तो आप अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला लें और उसको अपने पितरों का स्मरण करते हुए जल में विसर्जित कर दें। आपके पितर आपको इस परेशानी से अवश्य निजात दिलाएंगे। इन सब के अलावा आप व्यापार वृद्धि यंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इससे पहले उसको अच्छे से पूजित कर लें और अपने पितरों का स्मरण करना बिल्कुल न भूलें। इसके बाद इसको अपनी दुकान या जहां भी आप अपना व्यवसाय करते हैं वहां रखें। इससे आपका कारोबार बिना किसी परेशानी के चलने लगेगा। दोस्तों, ये है कुछ रहस्यमय और चमत्कारी बातें। देखते रहिए और सीखते रहिए हमारी वीडियो से। और अगर आपको ये अच्छी लगी तो ज़रूर इनको लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स।